Hey folks, Devam here. ये chemistry के chapter acid, bases and salts का third lecture है. हमने second lecture में बात करी थी dilute solution की formation के बारे में और pH scale के बारे में. इस lecture में हम बात करेंगे कुछ salts और उनके uses के बारे में. तो फिर start करते हैं. Strong acid और strong base के reaction से जो हमें salt मिलता है वो neutral होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से जो हमें सॉल्ट मिलता है वो एसिडिक होता है और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से जो हमें सॉल्ट मिलता है वो बेसिक होता है. फ्रेंड्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaCl एक सॉल्ट फॉर्म किया था उसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं और जनरली हम उसको अपने घर में फूड में यूज करते हैं. Surprisingly, उसके बहुत सारे uses हैं. हम उससे baking soda, washing soda, bleaching powder और sodium hydroxide form कर सकते हैं. आइए देखते हैं कैसे. जब NaCl यानी common salt के aqueous solution से electricity pass की जाती है, तब sodium hydroxide form होता है. इस process को हम chlor-alkali process भी कहते हैं. इसकी equation है NaCl plus H2O. की डीकंपोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिव्स अस NaOH साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन. आई होप इट्स क्लियर. ब्लीचिंग पाउडर स्लेक लाइम और क्लोरीन के रिएक्शन से फॉर्म होता है. इस रिएक्शन की इक्वेशन है CaOH twice यानी कि स्लेक लाइम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तब वो CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करता है और साथ में वाटर. ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हैं कि केमिकल इंडस्ट्रीज में इसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है. कॉटन और लिनन को ब्लीच करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है और इसको वाटर को प्योर करने के लिए ये डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है. बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3. जब NaCl और वाटर एमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तब वो एमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करते हैं. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा के यूजेस हैं कि इसको हम एंटा एसिड यूज करते हैं और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में ये यूज किया जाता है. सोडियम कार्बोनेट की रिक्रिस्टलाइजेशन से वॉशिंग सोडा बनता है. सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब वो फॉर्म करता है Na2CO3.10H2O जो कि वॉशिंग सोडा है. वॉशिंग सोडा पेपर सोप ग्लास इंडस्ट्रीज में एज अ वॉशिंग एजेंट यूज होता है. तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सॉल्ट्स और उनके यूजेस. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP. ये वर्ड बोलते ही आप सबके दिमाग में आया होगा इसके यूजेस. वो है कि रूफ पे सीलिंग के लिए हम इसको अपने घर में यूज करते हैं और जब हमारी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं तब डॉक्टर्स उसे एज अ सपोर्ट भी यूज करते हैं. जो ओरिजिनली जो पीओपी होता है वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है जिसका फॉर्मूला है CaSO4.5H2O. हम जब इसमें वाटर ऐड करते हैं तब ये जिप्सम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि कुछ टाइम बाद अपनी हार्ड फॉर्म ले लेता है. तो जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तब वो फाइनली जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स गो फॉर अ क्विक रिव्यू. हमने सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में जिसमें हमने सिंथेटिक इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को स्टडी किया. फिर हमने बात करी एसिड और बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जिसमें हमने एसिड और बेस को मेटल्स, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन को स्टडी किया. फिर हमने बात करी एसिड और बेस का वाटर में रिएक्शन जिसमें हमने पढ़ा कि उस रिएक्शन से वो डाइल्यूट एसिड या बेस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं. फिर हमने 0-14 के पीएच स्केल को स्टडी किया जिसमें हमने पढ़ा कि 0-7 एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है और 7-14 बेसिक मीडियम होता है. फिर हमने बात करी कुछ सॉल्ट्स के बारे में और उनके यूजेस के बारे में जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर. फिर हमने लास्ट में बात करी पीओपी के बारे में. I hope everything is clear to you. So friends, here this chapter ends. Next chapter ka naam hai metals and non-metals. Dosto, please like, apne friends ke saath in videos ko share karo aur channel ko subscribe karo. Aur agar koi bhi doubt hai, then please comment and feel free. To go to the next chapter, just click here.
थैंक यू फॉर अ टाइम एंड ऑल द बेस्ट।